D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पंजाब में कांग्रेस की कला थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीति सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। मुस्तफा ने कहा कि कैप्टन जिस मर्जी सीट से लड़ने आ जाए उनकी जमानत जब्त करवा देंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। आपको यह बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा पंजाब में पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और जब इनकी डीजीपी बनने की बारी थी तो इन्हें नहीं बनाया गया और दिनकर गुप्ता को डीजीपी बना दिया गया। आपको यह भी बता दें कि पंजाब में इनकी पत्नी रजिया सुल्ताना को हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पंजाब के, उनकी कैबिनेट में शामिल किया गया था लेकिन उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा ने यह कहा है कि अगर वह जमानत जब्त ना करवा सके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो वह राजनीति छोड़ देंगे। पंजाब की 117 सीटें जो विधानसभा की सीटें हैं वह किसी से भी अब चुनाव कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मुस्तफा ने यहां तक कहा कि सिद्धू को तो कैप्टन उनके घर यानी कि पटियाला में भी हराने के लिए तैयार हैं। अमरिंदर सिंह किसी को बलि का बकरा बनाने के बजाय सिद्धू के खिलाफ मैदान में आए यदि उनमें हिम्मत है तो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि सिद्धू के खिलाफ वह मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे। वह बार बार कह रहे हैं कि सिद्धू को किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। सिद्धू पंजाब के लिए सही आदमी है नहीं है यह भी वह कई बार कह चुके हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में कुछ लोग बैठे हुए हैं वो जो सिद्धू की हरकतों से खुश हैं। सिद्धू पंजाब के लिए सही आदमी नहीं है बार बार मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं। मुस्तफा ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन सीएम की कुर्सी खोने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वे अपनी तकदीर नहीं बदल सके तो सिद्धू को कैसे बदल देंगे। आपको यह भी बता देंगे मुस्तफा ने कहा कि वह ये सुनकर हैरान है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अमरिंदर सिंह दिल पर हाथ रखें और आंखों में आंखें डालकर बताएं कि वह क्या अभी तक कांग्रेस में थे। कांग्रेस तो पहले ही अमरिंदर सिंह की ओर से छोड़ी जा चुकी है। अब तो सिर्फ कांग्रेस के नाम का चोला और मुखौटा ही उन्होंने पहन रखा था ताकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रहे। मुस्तफा ने कहा कि जिन पार्टियों में अमरिंदर सिंह अपना भविष्य तलाश रहे हैं उनमें पॉलिटिकल पैरासाइट्स और डबल क्रॉस करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मुस्तफा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दिए गए बयान की शुरुआत और अंत भी शायराना तरीके से की है। मुस्तफा ने लिखा है कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे अजमाए हुए हैं। अंत में उन्होंने लिखा है कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं था कि मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आपको यह भी बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो मोहम्मद मुस्तफा डीजीपी के दावेदार थे। पहले कैप्टन ने अकाली सरकार के वक्त रहे सुरेश अरोड़ा को डीजीपी का कार्यकाल पूरे करने दिया और बाद में दिनकर गुप्ता को डीजीपी बना दिया। इसके खिलाफ मुस्तफा ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी लेकिन कैप्टन को हरा नहीं सके थे। सिद्धू जब पंजाब के प्रधान बने तो मुस्तफा को उन्होंने अपना रणनीति सलाहकार बताया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना पहले कैप्टन सरकार में और अब चन्नी सरकार में मंत्री बनी थी लेकिन उन्होंने चन्नी सरकार में कैबिनेट पद से त्याग पत्र दे दिया। वहीं अगर पंजाब कांग्रेस की बात करें तो अभी कांग्रेस को कई चुनौतियां सामने आने लगी हैं। कल जो मुलाकात हुई है नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और जो राजस्थान के मंत्री हैं हरीश चौधरी उनके बीच और इस दौरान प्रगट सिंह भी शामिल थे, इसे अत्यंत महत्वपूर्ण रखा गया, किसी से कोई बात नहीं की गई। हमारी जानकारी के मुताबिक जो फार्मूला निकाला गया था उसकी जानकारी आलाकमान को दे दी गई है। अब अचानक ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आलाकमान से बुलावा आ गया है और वह दिल्ली जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वह दोपहर बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के इस्तीफे के बाद ये चरणजीत सिंह चन्नी की अपने आलाकमान से पहली मीटिंग है। चर्चा यह है कि सिद्धू को मनाने के लिए जो रास्ता निकाला गया उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जनता के बीच भी सरकार को लेकर गलत छवि जा सकती है। शायद इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू दोनों नियुक्तियों यानी कि जो नियुक्ति हुई थी डीजीपी सोहता इकबाल प्रीत सिंह सोहता और APS देओल की उसको लेकर लगातार
पंजाब सरकार पर हमलावर हुए थे और उन्होंने कहा था कि वह किसी सूरत में इन नियुक्तियों को माने नहीं होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी कांड के मसले को हल नहीं होने देंगे। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी पटियाला जाएंगे, लेकिन आला कमान ने उन्हें रोक दिया और वीरवार को गुरु यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को खुद चंडीगढ़ आना पड़ा, जहां कई घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का फिलहाल हल नहीं निकला। उधर हमारी जानकारी के मुताबिक सिद्धू के जो हल को जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए जो हल निकाला गया था उसमें यह था कि डीजीपी इकबाल प्रीत सोहता को जो उन्होंने हटाने की मांग की थी, सरकार का कहना था कि उनके पास सिर्फ एडिशनल चार्ज है, जबकि कामियों में दिनकर गुप्ता ही डीजीपी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू से मीटिंग के बाद 10 नाम यूपीएससी को भेज दिए गए हैं, वहां से 3 नाम फाइनल होंगे और उनमें से किसी एक को डीजीपी लगाया जाएगा। और यह फैसला अकेला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह नहीं लेंगे, जैसा कि कहा जा रहा है कि इसमें नवजोत सिंह सिद्धू की राय भी शामिल होगी और आला कमान की राय भी शामिल होगी, क्योंकि आला कमान ने यहां पर नियुक्त कर दिया है अपने दूत के तौर पर हरीश चौधरी को। जो नए नाम भेजे गए हैं, अब यह भी कहा जा रहा है कि नए जो एडवोकेट जनरल हैं उनको हटाना, एकदम से हटाना संभव नहीं है। गवर्नर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही उन्हें नियुक्त किया गया है। इसलिए सिद्धू की मांग को देखते हुए रास्ता निकाला गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी और उससे जुड़े गोलीकांड के केसों की जांच के लिए सरकार एक टीम बनाएगी और वही टीम काम करेगी। जो नाम भेजे गए हैं डीजीपी के लिए, उनमें सबसे नाम जो आगे हैं वह आईपीएस अधिकारी हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। आपको यह भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाने के लिए की मांग कर रहे थे और इन पर उन्होंने सहमति भी जता दी थी, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। दूसरा नाम है दिनकर गुप्ता का, फिर वीके भावरा, एमके तिवारी, प्रमोद कुमार, संजीव कालड़ा, पराग जैन, बीके उप्पल शामिल हैं। दिनकर गुप्ता का नाम सीनियरता के आधार पर शामिल किया गया है, हालांकि वह सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसी सिलसिले में वीरवार को चंडीगढ़ में पंजाब भवन में जो चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बैठक हो चुकी है। हालांकि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के जो की ओर से जो इस्तीफा दिया गया है उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस पर फैसला आला कमान लेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो इस्तीफा है नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से, ये इस्तीफा आला कमान को भेजा गया था। खासकर सोनिया गांधी इस पर फैसला लेंगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल जो सामने आने लगा है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में रखना कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है, जबकि कई नेता लगातार नवजोत सिंह सिद्धू पर आक्रामक हो रहे हैं। कल सुनील जाखड़ ने भी यह कहा था कि बहुत हो गया, अब काम करने दो, तमाशा कब तक चलेगा। यह सच है कि तमाशा कांग्रेस में लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि पहले नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे, उन पर यह आरोप लगते रहे कि वह लोगों से मिलते नहीं, लोगों से तो दूर, नेताओं मंत्रियों से भी जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का संपर्क टूट चुका है। इसलिए शायद आला कमान की ओर से कांग्रेस की ओर से लिए गए डिसीजन के मुताबिक मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा था। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तब उन्होंने कहा था उन्हें अपमानित करके हटाया गया है, वह इस अपमान को कभी भूलेंगे नहीं। अब कांग्रेस हाईकमान ने पूरे मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को झटका तो जरूर दिया, लेकिन सिद्धू को बनाए रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव की घोषणा होने में मात्र 3 महीने बचे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा चेहरा है जो खासकर युवाओं की भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम है। जो बोलते हैं, लोगों कहते हैं कि वो मसले हल होने चाहिए, जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा था कि पंजाब का पैसा, पंजाब के जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा खजाने में आना चाहिए वो पैसा कुछ नेताओं की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा था कि रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये तमाम माफिया हैं दीमक की तरह पंजाब को खोखला कर रहे हैं। उन्होंने एक सुझाव यह भी दिया था, जब वह कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार हमलावर हो रहे थे, उनकी ओर से यह कहा गया था कि कई जमीनें नेताओं और अधिकारियों ने अवैध तौर पर चंडीगढ़ के आसपास कब्जा रखी हैं, यदि इन जमीनों को ही छुड़वा लिया जाए और बाद में इन्हें बाजार में बेच दिया जाए तो उससे ही सारा का सारा कर्जा जो है
पंजाब का उतर सकता है। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू कहते तो ठीक है, बिजली समझौतों को लेकर भी सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने ही आवाज उठाई थी और उन्होंने यह भी कहा था कि जो गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी के मामले में आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अब एक कानून एक जो है उसकी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सिर्फ सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के कहे अनुसार कुछ नहीं होगा। एक पूरी लॉबी जो नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने में लगी हुई है। अगर हम यूं कहें कि इस समय पंजाब में जो कांग्रेस है तीन भागों में बढ़ चुकी है, यह भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो लंबे समय बाद एक बार फिर कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस बिखरेगी, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं हो सकता है कि अमरिंदर सिंह के कहने पर वह उनके यहां उनके पास चले जाएं। लेकिन यह तय है कि अमरिंदर सिंह अपने दम पर तमाम 117 सीटें जीतने में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि पार्टी बनाना आसान नहीं है। शायद इसीलिए इस बात का उन्हें भी पता है और उन्होंने यह तो जरूर कहा है वह भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहे लेकिन वह कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने अपना ट्विटर से भी अपना अकाउंट जो है वो हटा दिया है। उधर केंद्र सरकार की ओर से धान की खरीद को लेकर की गई 10 दिनों की देरी पर किसान नेता भी आक्रामक हो गए हैं। तीनों वैसे आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से पहले ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बार धान खरीद में देरी को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ैनी ने हरियाणा की मनोहर सिंह खट्टर को सरकार को यह चेतावनी दी है कि चुड़ैनी ने कहा कि अगर 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो इनके घरों का कुत्ता भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चुड़ैनी ने वीडियो जारी किया और कहा कि मंडियों में फसलों का ढेर लगा हुआ है, बारिश के कारण फसल खराब हुई है। सरकार पहले 1 तारीख से धान की खरीद शुरू करने वाली थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया है। चुड़ैनी ने एक दिन पहले ये वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कल से यानी आज 1 अक्टूबर से खरीद शुरू नहीं की गई तो परसों यानी 2 अक्टूबर से तुम्हारे विधायक सांसद नेताओं को इस तरह घेरेंगे, घर में बंद करेंगे कि उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, अगर कल तक खरीद नहीं की जाती है तो परसों से इन्हें घेर लो। धान की खरीद देरी होने से किसान नाराज हैं। दरअसल मौसम को देखते हुए इस बार धान की खरीद में जो प्रक्रिया में देरी हुई है, केंद्र ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को एमएसपी के आधार पर 11 अक्टूबर से धान की खरीद को शुरुआत करने को कहा है। इसीलिए जो है जो किसान संगठन नाराज हैं। हमने डिमांड की थी कि 15 सितंबर से अगर आप खरीद नहीं भेजते तो 25 सितंबर से खरीद जरूर भेज दीजिए। मंडियों में ढेर लगे पड़े हैं, ऊपर से बारिश हुई, अनाज की तबाही हो गई, देखा नहीं जाता, पड़ा पड़ा अनाज पका पकाया धान जो है किसान का खराब हो गया। निर्दयी सरकार ने कहा कि 1 तारीख से खरीद करेंगे लेकिन आज ही सूचना मिली है, क्योंकि कल 1 तारीख है, आज ही सूचना मिली है कि एक नया फरमान और आ गया है कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी, 11 तारीख से खरीद होगी। और उसके साथ एक फरमान और आ गया है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान ली खरीदी जाएगी, जबकि कई वैरायटियां 30 क्विंटल से भी ज़्यादा निकल जाती हैं, तो बाकी वो कहाँ ले जाएगा पता नहीं। साथियों, ये सरकार उस दौरान कर रही है जब हमारा आंदोलन चल रहा है, और इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी कि एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कल खरीद शुरू कर ले वरना परसों तेरे MLA तेरे MP तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो, अगर कल खरीद नहीं आती है परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रेलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे MP हो चाहे MLA हो, BJP का और JJP का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को अगर कल खरीद नहीं आती है।
हमारी फिर चेतावनी है सरकार को, खाली नहीं बैठेंगे, हमारे पे उजड़ता किसान नहीं देखा जाता, बर्बाद होता किसान नहीं देखा जाता, बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कल सरकार खरीद शुरू कर ले वरना रिजल्ट बड़ा गंभीर भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून लाए गए थे, इसके बाद से ही देश का किसान लगातार इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इन्हें रद्द नहीं किया जा रहा। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 11 महीनों से लगातार किसान धरना दे रहे हैं, 800 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की तरफ से अचानक ऐसा फैसला किया जाना उनकी मनमानी है, किसानों पर केंद्र सरकार अपने फैसले थोप रही है, किसानों ने फसल काट ली है और वह उसे मंडी में लेकर आने को तैयार है। अब नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि श्रोमणी अकाली दल बादल ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर चिंता जाहिर की। श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा और बिक्रम सिंह मजीठिया का कहना है कि सरकार के एक इस कदम से, इस फैसले से किसानों में चिंता पैदा कर दी है जो कि बेहद गलत है। श्रोमणी अकाली दल ये फरमान तुरंत वापस लेने की अपील करता है, नहीं तो सरकारों को किसानों का विरोध करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज ही खबर आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने झोने की जिहड़ी खरीद है, प्रोक्योरमेंट है, उसनू 10 दिन नाल डिले करता और उहदे च बहाना यह लाया गया है कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा। जो मेरी किसान भरावां नाल गल हुई है, पंजाब के कोने कोने च लोकां नाल जिथे गल हुई है, सारे गल कह रहे हैं कि जो मॉइस्चर का लैवल है वो लैवल दे अंदर है, मॉइस्चर का कंटेंट कोई इन्ना ज़्यादा नहीं है जिवें दस्या जा रहा। ये कली ते कली मैं समझदा पंजाब सरकार की फेलियर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलियर, ये दोवें पंजाब की सरकार आपकी कुर्सी की लड़ाई तक सीमित रह गई है। लोगों का भला झोने की प्रोक्योरमेंट नू लैके इन्हां नू कोई चिंता नहीं है, इसलिए जो ये हाल अज पंजाब के किसानों का हो रहा है उहदे लई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मोदी सरकार जिम्मेवार है ही, मगर नाल ही जिम्मेवार पंजाब सरकार है। मैं उम्मीद करदा, आस करदा, बेनती करदा कि इमीजिएटली, क्योंकि फसल ऑलरेडी मंडी च पहुंचनी शुरू हो गई है और ये खरीद इमीजिएटली सरकार शुरू करे, जे नहीं शुरू करूगी तो मैं समझांगा कि ये मोदी सरकार ना रल के पंजाब के किसानों नू काले कानूना करके इन्हां नू सजा देण दा काम कर रही है, खराब करन दा काम कर रही है। बहुत वड्डे अफसोस की गल है कि केंद्र सरकार का शाही फरमान आया कि 1 अक्तूबर तो जिहड़ी झोने की खरीद शुरू होनी सी वो 11 तरीक दे उत्ते पा दी गई। किसान खेतों के विचों सुक्का झोना लैके मंडिया च पहुँच रहा, पर उत्तों फरमान आ गया कि हुण 11 तरीक नूं होएगी। ना केंद्र सरकार नूं किसानां दी चिंता और सूबे दी सरकार साडी एक दूजे दे कपड़े पाण लगी हुई है। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि किसानां तों किस चीज़ दा बदला लिया जा रहा। मैं केंद्र सरकार नूं वी सूबे दी सरकार नूं वी कहना चाहुंदा कि श्रोमणी अकाली दल डट के किसानां दे नाल खड़ा, इह जिहड़ा आर्डर है तुरंत वापस होना चाहिए, नहीं तां लोकां दे रोह दा मुकाबला करन वास्ते तुहानूं तां उहनां नूं तैयार रहना चाहिए। उधर भाजपा ने भी पंजाब में अव्यवस्था अस्थिरता पैदा करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में कथित तौर पर अव्यवस्था और अस्थिरता जो है वो कांग्रेस के कारण जो है पैदा हुई है। पंजाब कांग्रेस में घिनौनी लड़ाई ने ना केवल राज्य में शासन को पंगु बना दिया है बल्कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी जोखिम में डाल दिया है। चुग ने यह भी कहा कि पंजाब की सीमा पर ISI की योजना बहुत स्पष्ट है और गैर जिम्मेदार कांग्रेस सरकार ने इसे जटिल बना दिया है। अगर कांग्रेस इस स्थिति को बरकरार रहने देती है तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग द्वारा पंजाब में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक पर लगातार हमले कर किए जा रहे हैं जिससे पुलिस का मनोबल गिर रहा है। यह पंजाब के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। चुग ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक संकट ने पंजाब को एक अस्थिर राज्य बना दिया है और यह समय है कि लोग निर्णायक रूप से
पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में पंजाब में माफिया राज कायम रखने के लिए दागी मंत्रियों को शामिल किया गया और दूसरी और कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जबकि उनके कार्यालयों और विभागों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। ऐसा है कि सत्ता दी भुख, लालसा, लालच किन्नू कहंदे है, हवस, सत्ता दी हवस, अहंकार। सिद्धू साहब, न्यूना सिखो, न्यूना। एक ऐसी भाईचारे का मुख्यमंत्री 7 दशक नहीं बनाया तुसी। असी मंग की प्रेशर चाके बनाता, मान नहीं दिता तुसी 7 दशक, लेकिन अपमानित ना करो, क्योंकि ऐसी भाईचारे का पहले फाइल लेके सिद्धू के घर जाए, सिद्धू टिक करेगा, कड़ा DGP लगू, कड़ा मंत्री बनू, किनू मंत्रिमंडल की सहु चुकानी है, किनू कड़ा विभाग देना है, मुख्यमंत्री तो सुपर मुख्यमंत्री, और बार बार अपमानित किया जा रहा है। पहले जनाब कहते हैं कि 11 बजे तो अजे सो नहीं चुकी, तो रावत जी का आ जाता कि अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में होगा, तो इन्होंने क्यों बनाया जा रहा है चन्नी साहब न, हूँ सुपर CM दिखाया जा रहा है, जानबूझ के प्रेस खिंच के ले जाया जा रहा है, कड़े मंदिर से मत्था टेकना है, किन्ने बजे टेकना है, कड़ा मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, चेयरमैन ला दियो, आऊँ ला दियो, एजेंडा कितने है सिद्धू साहब, 18 सूत्री एजेंडा कितने है, बरगाड़ी की सजात ता होगी, तुम तो बरगाड़ी का केस लड़न वाले जड़े सरकार के खिलाफ लड़ रहे थी उन्होंने AG बनाता, DGP बदल दो, अफसर बदल दो, सैकटरी बदलो, थोड़ा अधिकार है, अस्थिरता ना पैदा करो, पंजाब च बॉर्डर स्टेट है, सिद्धू साहब एक कमेडी सर्कस नहीं है, पंजाब है मेरा, पंजाब है, अस्थिरता ना पैदा करो, ना लगता बॉर्डर, हद हो गई, मेरा यार इमरान खान थोड़ा यार होगा, पंजाब का यार नहीं, ट्वीट आ रहा है, आर्मी पाकिस्तान का चीफ बाजवा पंजाबी भराव है, पंजाब नूं उधरों ग्रनेड तोपां दे गोले गोलियां आई हैं, नशे आए, साडा भरा नहीं, सिद्धू साहब का भरा हो सकता, हरीश रावत का हो सकता, कांग्रेस वाले का हो सकता, पाकिस्तान आर्मी का चीफ पंजाबियों का भरा नहीं है। इस पिछे अज अपनी अहंकार नूं, अपनी भुख नूं एडी जलदबाजी, अजे चीफ मिनिस्टर बनिया उन्हें 10 दिन नहीं हुए और खिलाफ इस्तीफा देता है, तुहाडा व्यक्तिगत हित तुहाडा ज्यादा वड्डा है, देश तो वड्डा, स्टेट तो वड्डा है, मनाओ दोस्तियां, सानू कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती रखो, लेकिन पंजाब की सुरक्षा नूं ताक ते रख के दोस्ती ना रखो, दुर्भाग्य। लेकिन सर, जिस तरीके से एक ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह का सामने आया कि भरोसे लायक नहीं है, कैसे देख रहे हो? मैं कह रहा जी, मैं आप तो नहीं कह रहा कि जिरा यार इमरान खान जरा कह रहे, पंजाब की जनता की चर्चा च है कि बाजवा साडा कितों हो सकता, जरा टिफिन बम भेज रहा है, जरा ग्रनेड भेज रहा है। आपको ये बता दें कि मंगलवार को जब ये उनका उस पर ये निशाना उनका रजिया सुल्ताना की तरफ था, पंजाब के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जब उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दिया था तो कुछ घंटों बाद ही रजिया सुल्ताना ने भी कैबिनेट मंत्री पद छोड़ दिया था और इस्तीफा दे दिया था। अब कुल मिलाकर ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि यदि पंजाब में कुछ अशांति फैलती है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है और पाकिस्तान लगातार पंजाब को अस्थिर करने में, अशांत करने में साजिशें रच रहा है, कई स्लीपर सेल यहां पर बना दिए गए हैं, लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, भारी संख्या में हथियार पकड़े जा चुके हैं, विस्फोट जो ग्रेनेड पकड़े जा चुके हैं और हीरोइन पकड़ी जा चुकी है, ये तो, और जो ड्रोन नहीं पकड़े गए उनका क्या? कुछ एक दिन पहले ही जो हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं अजीत डोभाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे भी मुलाकात की थी और इन सब बातों पर चर्चा भी की थी। अब ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं, क्या भाजपा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है? लेकिन फिलहाल अगर हम राजनीति विशेषज्ञों की माने तो वर्ष, अगर जब तक चुनाव, विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते,
तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। बाकी फिलहाल सब कुछ कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा। क्यास, क्योंकि क्यास तो कई तरह से लगाए जा रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष की ओर से फ्लोर टैक्स की मांग कर दी जाए। जिस तरह से कांग्रेस तीन हिस्सों में बटी हुई है, हमने आपको पहले बता दिया है कि कांग्रेस समेत तीन हिस्सों में बट गई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और तीसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी हैं। वैसे जब से चन्नी ने पदभार संभाला है मुख्यमंत्री पद का, उन्होंने काफी सुर्खियां भी बिटोरी हैं। कपूरथला की यूनिवर्सिटी में जाकर वह विद्यार्थियों के साथ भंगड़ा डालते हैं और कहते हैं कि 100 1000 सुरक्षा कर्मियों की उन्हें जरूरत नहीं, उन्हीं की सुरक्षा में 1000 कर्मियों की क्या जरूरत, कमरे कमरे जितनी 2-2 करोड़ रुपए गाड़ियों की उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें कोई मारने वाला नहीं है। इसके अलावा जब वह किसानों के पास गए, उनके घरों में रोटी खाई, यह भी चन्नी का अंदाज लोगों को भा रहा है। रास्ते में जा रही बारात को रोकना और दुल्हन को शगन डालना, यह अंदाज भी, इस अंदाज से भी चरणजीत सिंह चन्नी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब देखना यह है कि आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से किए खड़े किए गए सवालों पर क्या रुख अपनाता है।